पहाड़ के लोग आज भी जीवन यापन के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। लेकिन जंगली जानवरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वो अब मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं और लोग खौफ में जीने को मजबूर हो रहे हैं। ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले के कालीमठ गांव का है, जहां भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां भालू ने दो अलग अलग जगहों पर कई मवेशियों को अपना निवाला बना डाला। जिन पशुपालकों के मवेशी मारे गए हैं वो अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहली घटना रविवार रात को हुई, जहां जंगली भालू ने पृथ्वी सिंह पवार नाम के स्थानीय निवासी की एक गाय और एक बछड़े को अपना निवाला बना दिया। वहीं दूसरी घटना सोमवार रात को हुई, जहां भालू ने विनोद राणा नाम के स्थानीय निवासी की एक गाय को अपना निवाला बना दिया और दूसरी गाय को भी घायल कर दिया। साथ ही स्थानीय निवासियों का कहना है कि भालू का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब खौफ में जीने को मजबूर हो रहे हैं और आए दिन उन्हें गांव में भालू दिखाई दे रहा है। जिन पशुपालकों के मवेशी मारे गए हैं वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनका जीवन यापन पशुपालन और खेतों पर ही निर्भर है। घर से थोड़ा दूर से सुबेर में बगल पड़ोसी वो हमारे दरवाजा खुला दिए कि हम तब फोन करी तो हमारा दरवाजा तेन खुला है ना, हम वह भीतर दिया कर तू हमारे भीतर दिए कि तो हमारे गाय आ गाय बची थी भालू मारी छे और एक यो भैंसा बची यो बाकरी तो छोड़ी छे। आ ते दिन दिन हम तक रहे ना तो दूसरा दिन तो तेन दूसरी साड़ी गए ना दुई गाय तू की बीमारी। आजकल हम तो घास जाना खेतों में जाना था लाकड़ू जाना था बहुत भय हुई बहुत डर लगने हर खेत है जंगल जाना था सब दाना चन हर कक्षित दिखाना चन यो बनी हम बी देखी यो बनी मीन यक देगी यो बनी मीन तक देगी। मैं सरकार से निवेदन से कि थोड़ा हम तई मुआवजा भी दियो ना दियो सरकार है और हमारे रोजी रोटी गाय भैंसों से चौड़ी मेरे परिवार में भी बच्चा छे यो मैं आदमी से हमारे छोटी सी चाय की दुकान से हमारे कोई भी हमारे परिवार में सरकारी नौकरी बनी थी और गाय भैंसों से मीना पो बच्चा पढ़ी पढ़े लिखे से चाय बेची जाए चाय की दुकान से हमारी। आजकल हमारे गांव कालीमठ में बहुत ही भालू ने बहुत आतंक फैला हुआ है, दिन में भी वो उसके डर से लोग बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है गाँव में, क्योंकि आजकल गाँव में मक्का वगैरह जो साग सब्जी है उसके पीछे भालू ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। और रात को तो उसने गौशालों में जाके मवेशियों को सारे बर्बाद नुकसान पहुंचा रखा है, तो बहुत लोग यहाँ पे गांव में भयभीत हो रखे हैं, क्योंकि गांव में खेत दूर दूर हमारा कालीमठ गांव फैला हुआ है, अलग अलग जगहों पे लोग रहते हैं तो परिवार इकट्ठे गांव में एक जगह पे नहीं है, तो बहुत लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं तो बहुत ही डर फैला हुआ है गाँव में और छोटों बच्चों के लिए भी बहुत ही खतरा हुआ है। और लोग आजकल दिन में सो रहे हैं और रात को निगरानी कर रहे हैं, अपने गाय भैंस गौशालों की निगरानी कर रहे हैं, बहुत ही आतंक फैला हुआ है। और श्रीमती विजया देवी और जो ऊपर दूसरे गाँव दूसरे मवेशी जो जिनका वो नुकसान हुआ विनोद राणा जी उनके घर पे उनके गौशाला में जाकर उसने उनके तो उनको मैं चाहती हूँ उन लोगों को मुआवजा मिले और उनको जो उन लोगों की गाय भैंस के पीछे वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं उनका जो गाय दूध देती है उनकी विजय देवी की चाय की दुकान है, तो उन लोगों को सरकार से निवेदन है कि उनको मुआवजा मिले और उनको दूसरी गाय लाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता मिले। पहाड़ों में यदि कोई आजीविका के लिए खेती करता है तो उसे जंगली जानवर खा जाते हैं, जानवर पालता है तो उसे जंगली जानवर अपना निवाला बना लेते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करना चाहे तो सड़कें नहीं पानी नहीं यहाँ तक कि मेडिकल सुविधा भी नहीं है। अज्ञात जानवर द्वारा गांव के मवेशियों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। ये जानवर कई सालों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस कारण लोग दहशत में जीने को मजबूर हो रहे हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।